मॉर्निंग स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को क्लास फाइव का हिंदी चैप्टर फाइव पढ़ाने जा रही हूँ। यह एक कविता है, एक बूंद। इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें यह शिक्षा देने का प्रयास किया है कि हमें जीवन में अपने कर्तव्य को करते रहना चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, इस पर भाग्य पर पहले ही फैसला हमें नहीं कर लेना चाहिए कि सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। हमें अपने कर्तव्य को करते रहना चाहिए। तो कवि ने हमें इस कविता के माध्यम से एक बूंद लौ को माध्यम माना है कि किस तरह बादल की गोद से एक बूंद निकलता है और वह समुद्र में कैसे जाता है और वह एक शिव का रूप धारण कर लेता है, यानी कैसे उसका भाग्य में परिवर्तन आ जाता है। ठीक उसी तरह से मनुष्य का जीवन भी है। जब हम अपने घर से निकलते हैं कोई काम करने के लिए तो कैसे हमारे मन में हिचकिचाहट होती है कि पता नहीं हम इस काम को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। हर मनुष्य को ऐसा होता है कि काम करने से पहले मन में हिचकिचाहट होती है। तो आते हैं, आइए अब देखते हैं कि इस कविता के द्वारा कवि ने हमें क्या शिक्षा दिया है। तो यह कविता है कि जो निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जीने लगी, आह भक्तों छोड़ कर ना क्यों पड़ी। यानी एक बूंद जो है वह बादल की गोद से कैसे निकलती है और उसके मन में कैसे हिचकिचाहट होती है कि मैं घर छोड़ कर जा रही हूँ, कि घर छोड़ कर जाने में कैसे हिचकिचाहट होती है। ठीक उसी तरह से मनुष्य को भी अपने घर को छोड़कर अगर कोई काम ढूंढने निकलता है, कोई काम करने निकलता है, उसे भी हिचकिचाहट होती है कि कैसे हम इस काम को कर पाएंगे कि नहीं, सफलता मिलेगी। दर्द मेरे भाग्य में है क्या पता, दर्द यानी भगवान, हे भगवान मेरे भाग्य में पता नहीं क्या लिखा है, भाग्य में है क्या पता, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या चलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चुप पढ़ूंगी या कमल के फूल में। यानी ढेर सारी बातें उस बुद्ध के मन में आती है कि हे भगवान मैं बचूंगी या गिरूंगी या धूल में गिर जाऊंगी या अंगारे पर, यानी किसी जलता हुआ अंगारे पर गिरूंगी और मैं बुझ जाऊंगी, समाप्त हो जाऊंगी, या कमल के फूल पर मैं गिरूं, या चुप पढ़ूंगी या कमल के फूल में, या वो ऐसा भी हो सकता है कि मैं ये कमल के फूल में जाके गिरूं। तो वह निश्चित नहीं कर पाता है मनुष्य भी अपने आप को कि पता नहीं क्या होगा कैसे। तो ठीक उस बूंद लौ की भांति, यानी उस बूंद की भांति, यानी कवि ने हमें इस कविता में बूंद का उदाहरण देकर, बूंद का उदाहरण देकर हमको अपने जीवन का तुलना किया है, उसको समझा रहे हैं। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर और आई अनमनी, एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, बूंद उसमें जा पड़ी मोती बनी। ठीक जब बूंद जो आगे बढ़ रही थी बादल की गोद से निकलने के बाद, तो वह उस समय क्या हुआ कि अचानक एक हवा का झोंका समुंदर की ओर से आई और वह हवा का झोंका उसे उड़ाकर समुंदर में ले गई और समुंदर में किसने एक सीप का मुंह खुला था और बूंद उसमें जा पड़ी और मोती बनी। तो आप लोगों को यह बात मालूम होगा कि जब बरसात का मौसम आता है, नक्षत्र दिशा नक्षत्र आता है, तो बूंद जब सीप के मुंह में गिरता है तो मोती बन जाती है, हाथी के मस्तक पर गिरने के बाद गजमुक्ता बन जाता है। तो इस तरह से बूंद मोती समुद्र में जब सीप के मुंह में जाकर गिरती है तो वह मोती बन जाती है। लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, यानी ठीक बादल की बूंद की तरह जब मनुष्य को भी अपना घर छोड़ना पड़ता है तो उसे हिचकिचाहट होती है कि पता नहीं हम सफलता पाएंगे या नहीं, काम होगा या नहीं होगा। लेकिन ठीक उस बूंद की तरह वह जिस तरह से वह बूंद सीप के मुंह में गिरकर मोती बन जाती है, उसी तरह से मनुष्य के भाग्य में भी कब परिवर्तन आ जाएगा यह कहना मुश्किल है। तो हमें भी उस बूंद लौ की तरह आगे को बढ़ते चलते रहना चाहिए और परिवर्तन अवश्य आएगा। अपने कर्तव्य को हम करते रहेंगे तो परिवर्तन आना निश्चित है। इसीलिए पहले ही हिचकिचाहट के साथ
अपने काम को छोड़ना नहीं चाहिए बल्कि उसको हमेशा करने का प्रयास करना चाहिए। तो आप लोग को भी अपने जीवन में इसका पालन करना चाहिए कि उस बुद्ध की तरह हमें भी आगे बढ़ते रहना है और जीवन में सफलता की तरफ बढ़ना है। तो इस कविता का यही भावार्थ हुआ कि हमें भी अपनी सफलता के लिए आगे बढ़ते रहना है और काम को करते रहना है। यहाँ सारा क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर दिया गया है। अब अपने नोटबुक में नोट करेंगे।